जिला कारागार पलवल में माननीय महानिदेशक कारागार हरियाणा श्री यशपाल सिंगल जी के मार्गदर्शन में पलवल डोनर्स क्लब और महावीर इंटरनेशनल पलवल उड़ान के संयुक्त तत्वाधान में जेल प्रशासन के सहयोग से नववर्ष के उपलक्ष्य पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता पलवल डोनर्स क्लब के मुख्य संयोजक आर्य वीर लायन विकास मित्तल, महावीर इंटरनेशनल पलवल उड़ान के चेयरपर्सन वीरा अल्पना मित्तल और पुलिस उप अधीक्षक कारागार ओम प्रकाश ने की। कार्यक्रम के संयोजक विकास मित्तल ने बताया कि कवि सम्मेलन का न केवल कारागार के कर्मचारी बल्कि विचाराधीन बंदियों ने भी आनंद उठाया। कवि सम्मेलन में जाने माने कवि और गायक पवन पागल, प्रेम अज्ञान, सतीश एकांत, खेमराज डागर, डॉक्टर राजेश मंगला आदि ने बहुत ही सुंदर कविता पाठ करके जीवन के हर पहलू को छुआ। कवि सम्मेलन का कुशल मंच संचालन अल्पना मित्तल ने किया। इस अवसर का न केवल कारागार के कर्मचारी और विचारधारी बंदियों ने बल्कि शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति जिनमें भारत विकास परिषद पलवल के पूर्व प्रधान पवन सिंगला, साई फ्लेक्स के राजीव डागर, वरिष्ठ समाज सेवी सुंदर आदि ने भी कवि सम्मेलन का आनंद उठाया। ये तो जुडिशल जो इतना आप लोग अरे अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा काम करो भाई, अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा काम करो भाई। देखियो कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मिष्ठान भी वितरित किया गया। अंत में अल्पना मित्तल ने कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए जेल अधीक्षक अनिल कुमार, उप अधीक्षक जेल ओम प्रकाश, उप सहायक अधीक्षक जेल नरेश कुमार हुड्डा का धन्यवाद करते हुए सभी को दोनों संस्थाओं की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर 56 विचाराधीन बंदियों के अलावा डॉक्टर महेश पाल, जेल कर्मचारी फार्मासिस्ट विजय कालडा, ईश्वर सिंह, पप्पू राम, मनोज कुमार, हरिओम, जितेंद्र, सिराजुद्दीन आदि उपस्थित थे। नववर्ष के अवसर पे लोग बड़े बड़े होटलों में, फाइव स्टार होटलों में जाते हैं, बनाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि हम जो गरीब तबका है, अनाथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या जेल के बंदी भाई हैं, उनके साथ मिलके हम अक्सर जितने भी त्यौहार हैं वो मनाते हैं। उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि इन लोगों के साथ भी मिल के अपनी जो खुशियाँ हैं वो बाँटें और आगे भी हम चाहेंगे कि इस तरह के हम प्रोग्राम करते रहें। सर आप काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, करते रहते हैं जी जी में, तो किस तरह की प्रेरणा बंदियों को मिलती है, किस तरह का सुकून मिलता है उनको? अभी मेरी बात हो रही थी बंदियों से, तो वो उनसे बात होती तो वो कहते हैं जी हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि आप जब भी जेल में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, हमारी विचारधाराओं में परिवर्तन आते हैं। और जब भी हम जेल से बाहर निकलेंगे या हमारे जितने भी साथी जेल से बाहर निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख के जा रहे हैं। हम अक्सर इनको रक्तदान, नेत्रदान, शिक्षादान और इस तरह के बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग निकल के बाहर इन मुहिम से जुड़ रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। देखिए अक्सर जेलों में होता है, सोच ये होती है जनाब के भाई जेल में है व्यक्ति, तो उनका दूरा दिमाग खराब होता है इन चीज़ों से, तो इसलिए टाइम टाइम पे विकास मित्तल जी जो हैं, इनकी मैडम हैं अल्पना मित्तल जी, तो ये लोग इस तरीक़े का जो प्रोग्राम रखते हैं तो इनके दिमाग को थोड़ा सा सुकून मिले, फ्रेशिंग मिले। एक भी जो है जेल के अंदर अच्छी अच्छी बातें इनको बताई जाते हैं तो इनके जो सिस्टम है उसमें बहुत बदलाव आता है। मैंने कितने लड़के देखे हैं, मेरा तीसरा चौथा इसमें प्रोग्राम है, और यहाँ से जब लड़के जाते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें रास्ते में रोक के भी हमसे करते हैं लोग, इसलिए हम भी जो है इन्होंने मुझे बुलाया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ।